वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टूडे आवर टॉपिक इज ए सी जनरेटर आज आपका टॉपिक है ए सी जनरेटर वाट इज ए सी जनरेटर इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूसरेटिंग करंट और आल्ट्रेटिंग वोल्टेज एक ऐसा डिवाइस जो आल्ट्रेटिंग करंट या आल्टेटिंग वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोड्यूस आल्ट्रेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राम मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है एक आल्ट्रेटिंग

तो देखिए यहां पर मैंने आर बना के रखा है यह आपके पास आल्ट्रेटिंग वोल्टेज है और बिल्कुल ऐसी हमारे पास आल्टेटिंग करंट भी हमारे पास होती है जब हमारे पास ऑल्टर वोल्टेज प्रोड्यूस होती है आल्टरेटिंग वोल्टेज जब हमारे पास बनता है तो तभी जाकर हमारे पास आल्टेटिंग करंट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वोल्टेज जब बनेगी तभी जाकर हमारे पास करंट भी फ्लो करती है तो हमारे पास यहां पर कौन ये ए जनरेटर जो है ये प्रोड्यूस करता है आल्ट्रेटिंग वोल्टेज को तो देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंजेस पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएगी ज़ीरो भी हो जाएगी उसके बाद अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और डायरेक्शन चेंज करने के बाद फिर से इंक्रीज हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी जीरो हो जाएगी ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है अल्टरनेटिंग करंट भी ऐसी होती है जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगी तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से ही हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो करेगी तो अल्टरनेटिंग करंट भी ऐसी करंट होती है द करंट हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज पहले हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी डायरेक्शन चेंज होने के बाद फिर से इंक्रीज हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद फिर से डिक्रीज हो जाएगी तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से हमारे पास फ्लो करती है एक सर्किट में अब ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कौन प्रोड्यूस करता है ये हमारे पास ए सी जन जनरेटर है ए सी जनरेटर है ये प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यह हम कहेंगे आल्ट्रेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कॉइल जो है वो रोटेट करती हैं मैकेनिकल एनर्जी से कॉइल रोटेट करेंगी और उस की रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या है एक आल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगी तो करंट में ही हमारे पास पासिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है एक आल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो प्रोड्यूस करता है हमारा एसी जनरेटर तो वही लिखा है मैंने इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस ए सी जेंडर वॉज डिजाइंड बाय एन टेस्ला एनटेस्ला ने इसको डिजाइन किया था एंड दिस एसी जेंडर इज बेस्ड ऑन अलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन तो इसका ये जो हमारे पास जो है ये किस प्रिंसिपल पर हमारे पास एसी जेंडर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैगनिक मैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन पर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैगनेट इंडक्शन में हमने पढ़ा है जब भी हमारे पास एक क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा होता है उसमें इंड्यूस्ड ये प्रोड्यूस होता है और वो इंड्यूज डी कौन सा होता है वो अल्टरनेटिंग इंड्यूज डी होता है और जब हमारे पास अल्टरनेटिंग इंड्यूज डी प्रोड्यूस होगा और वहीं से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट भी बनती है जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी तो वोल्टेज प्रोड्यूस होने के बाद अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है किस सर्किट में इस सर्किट में तो हमारा आ, एसी जनरेटर जो है वो, वो एसी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें हमारे पास क्या क्या है आर्मेचर कोयल ए बी सी डी ये coil, coil आप देख सकते हो आप ए बी सी डी आर्मेचर है रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास है आर्मेचर ए बी सी डी इन रेक्टेंगुलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न इसकी बहुत सारी टर्नस है यहां पर तो मैंने एक ही टर्न दिखाई है बहुत सारी टर्नस है वॉन्टेड सॉफ्ट आयरन कोर इसके बीच में एक आयरन का आयरन कोर होता है आयरन कोर के ऊपर से रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास क्या होती है आयरन कोर क्यों रखा जाता है क्योंकि जादा से जादा पास आन होंगी। जिसकी हमारे पास जब ज्यादा से ज्यादा तो इसके बाद इस रेक्टेंगुलर कॉय को प्लेस किया गया है दो फील्ड मैग्नेट्स में फील्ड मैग्नेट्स कहा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल यहां पर देख सकते हो आप फील्ड मैग्नेट्स है नॉर्थ और साउथ पोल इन फील्ड मैग्नेट्स में

ये अटैच हैं दो कॉल्स के दो एंड के साथ जैसे हमारे पास कॉयल का एक एंड ये ए है इसके साथ आर वन रिंग कनेक्ट है और हमारे पास दूसरा एंड कॉयल का डी है यह हमारा इसके साथ हमारे पास दूसरी रिंग लगी हुई है आर टू इन रिंग्स के साथ दो ब्रशेस कनेक्ट हैं बी वन एंड बी टू यहां पर देख सकते हो आप बी वन ब्रश वन और ये बी टू ये हमारा ब्रश बी टू है तो ब्रशेज बी वन एंड बी टू स्लाइटली अटैच्ड ये हमारे पास क्या है ये स्लाइटली अटैच्ड है विद आर वन एन आर टू रिंग्स के साथ स्लाइटली अटैच्ड है आर वन और आर टू रिंग्स के साथ स्लाइटली अटैच्ड है, slightly attached है. आ, और इन ब्रशेस के थ्रू हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करती है जैसे हमारे पास इस जब हमारे पास आर वन में करंट आ जाएगी और थ्रू बी वन हमारे पास इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी एक्स टू वाई और जब हमारे पास करंट फ्लो करती है आर टू में तो फिर हमारे पास R2 से करंट आ जाएगी B2 टू ब्रश के थ्रू हमारे पास करंट फ्लो करेगी Y2 टू एक्स तो ये तो हमारे पास हम देखेंगे बाद में किस तरीके से वर्किंग में किस तरीके से हमारे पास करंट फ्लो करती है यहाँ पर आल्ट्रेटिंग करंट होती है या हमारे पास एक फिक्स्ड पीरियड्स के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो यहाँ पर हमारे पास मैंने कहा ये ब्रशेज जो हमारे पास जो हैं ये स्लाइटली अटैच होते हैं किसके साथ रिंग्स के साथ जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोयल है इसका रेक्टेंगुलर कोयल है यहाँ पर एक रिंग यहाँ पर होगा इस एंड के साथ और दूसरी रिंग इस इस एंड के साथ कनेक्ट होगी और जब कॉयल रोटेट करेगी तो ये रिंग्स भी रोटेट करेंगे और ये हमारे पास जो है जब ये रिंग्स रोटेट करेंगे कभी कभार ये रिंग्स हमारे पास B1 के साथ अटैच टच करेंगी कभी कभार ये टच नहीं करेंगी इसी तरीके से रिंग R2 टू कभी टच करेगा B2 के साथ या कभी टच नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास जब कॉयर रोटेट करेगी तो इसकी रोटेशन के साथ साथ आ, रिंग भी रोटेट करेंगे क्योंकि रिंग इसी के साथ अटैच है लेकिन हमारे पास बी वन और बी टू इन रिंग्स के साथ अटैच नहीं है इसके बाद हमारे पास, पास लोड रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस आर ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं जहाँ से हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग करंट प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई तो देखिए पहले हमें क्योंकि हमारे पास ये आल्ट्रेटिंग करंट या आल्ट्रेटिंग वोल्टेज होती है पहले हाफ साइकिल में हमारे पास जो है करंट की डायरेक्शन जो होगी वो एक डायरेक्शन होगी जैसे हमारे पास पहले हाफ साइकिल में हमारे पास करंट फ्लो करेगी फ्रॉम एक्स टू तो वाई एक्स टू तो वाई फ्लो करेगी इस लोड रेजिस्टेंस में और दूसरे हाफ रोटेशन में करंट फ्लो करेगी फ्रॉम वाई टू तो एक्स इस लोड रेजिस्टेंस में तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जब ये ये अपनी एक फिक्स पीरियड्स के बाद हाफ इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद हमारे पास जब ये करंट डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसी को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वोल्टेज भी हमारे पास हाफ इंटरवल्स के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और करंट भी हमारे पास हाफ इंटरवल्स के बाद अपनी करंट भी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी तो हाफ इंटरवल्स में जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसमें करंट फ्लो करेगी फॉर्म एक्स टू तो वाई एक्सटर्नल रोड लोड रेजिस्टेंस में और अगले हाफ रोटेशन में हमारे पास करंट फ्लो करेगी फ्रॉम वाई टू तो एक्स तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है इस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं अब हम इसकी वर्किंग पर जाएंगे किस तरीके से ये वर्क करता है देखिए इसकी वर्किंग पर जब जाएंगे हम ये रेक्टेंगुलर कॉल है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल है इसको रोटेट कराया जाता है किसके जरिए से ये इस ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल की एक्सेस है इस एक्सेस पर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉयल जो है रोटेट करती है क्योंकि इस एक्सेस पर एक शॉफ्ट लगी होती है एक हैंडल लगा होता है और उस हैंडल से इस कॉल को रोटेट कराया जाता है बाय एक्सटर्नल फोर्स यहां एक्सटर्नल एजेंट्स के जरिए से इसको रोटेट कराया जाता है जैसे हमारे पास पहले हमारे पास कॉयल ऐसे है ये हमारे पास इस तरीके से है और यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज निकलेंगी और साउथ पोल में चली जाएंगी जब हमारे पास कॉयल ऐसी होगी ये ए कॉयल है ये ए पॉइंट बी सी डी तो यहां पर देखें जब हमारे पास कॉल इस पोजिशन में होगी तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सिस इसमें पास आसान नहीं हो रही हैं जब इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सिस पास आसान नहीं होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पास आसान नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा और ये वाली पोजीशन कौन सी होगी यहां पर हमारे पास ईएमएफ क्या होगा ई एम एफ जो प्रोड्यूस होगा कॉयल में वो क्या होगा वो जीरो होगा और ये वाली पोजिशन है यहां पर ई एम एफ क्या है आपके पास जीरो है अब देखो हमारे पास कॉइल जब ऐसे रोटेट करेगी ऐसे रोटेट करेगी रोटेट करते करते जो ही ये ऐसी पोर्शन ले लेगा इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आन होने शुरू हो जाएंगी और इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगी जिन टोटल नंबर ऑफ मैग्निकाइन्स ऑफ फोर्सेस को क्या कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें पास आन होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से इस कॉयल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ए भी बढ़ता जाएगा और वो ए बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैक्सिमम हो जाएगा और जब ये वाली पोजिशन ले लेगा देखिए ए बी पीछे आ रहा है ए बी बैक में आ रहा है और सी डी जो हमारे पास जो है वो फ्रंट पर आ रहा है इसमें आप ज़्यादा मैक्सिमम ला हमारे पास जो है ज्यादा मैगन लाइन्स ऑफ फोर्सेज आसान हो रही हैं और जब ज्यादा मैग लाइन ऑफ फोर्सेज पासान हो रही हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हम कहेंगे पास आन थ्रू दिस क्वायल और इस केस में हमारे पास इंड्यूस्ड एम जो प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा किस में कॉयल में और जब मैक्सिम इंड्यूस होता होता है ये वाली पोजीशन होती है वहां पर हमारे पास उस मैक्सिमम इंड को कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ आल्ट्रेटिंग वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज होती है और ये कौन सी होती है पीक वैल्यू ऑफ आल्ट्रेटिंग वोल्टेज होती है जिसको हम ई नॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली पोजिशन इसके बाद आ, यहां पर पहुंचेगा उसके बाद हमारे पास कॉयल ऐसे ऐसे रोटेट करते 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 हमारे पास सी डी इस साइड आ रहा है और ए बी हमारे पास उस साइड चले जा रहा है तो फिर हमारे पास क्या है जब ये ऐसे था इसमें ज्यादा मैग्न लाइन ऑफ फोर्स पासन हो रही थी अब जब ऐसे ऐसे ये रोटेट करेगा ऐसे रोटेट करेगा अब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सिस आसान होंगी जब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सिस पासन होंगी यहां पर क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कम पास हो रहा है इसमें और इसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज होता जाएगा

जब कॉल ये पहली हाफ रोटेशन करेगी तो यहां पर हमारे पास क्या है इस कॉयल पर फोर्स लगेगी कहाँ की तरफ अंदर की तरफ देखिए हमारे पास ये ए बी पर फोर्स लग रही है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वहां के लिए हमारे पास है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अब अगर हमने देखा देखना होगा इस ए बी में करंट की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स राइट right हैंड रूल यूज करेंगे देखिए ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे आ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है दिस फिंगर और ये फोर्स की थम फोर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस फिंगर मिडल फिंगर, फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट तो देखिए फोर्स ए बी आर्म पर जो फोर्स लग रही है वो अंदर की तरफ लग रही है अंदर की तरफ थम देख रहे हो आप अंदर की तरफ जा रहा है और ये फिंगर देख रहे हो आप ये फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है थम अंदर की तरफ है फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये मिडिल फिंगर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास इस ए बी आम में जो फोर्स आ, जो करंट फ्लो करेगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बी टू ए होगी तो पहले हाफ रोटेशन में हमारे पास जो है करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी बी टू ए होगी जब बी टू ए करंट फ्लो करेगी फिर हमारे पास ए पॉइंट से करंट आ जाएगी किस में इस रिंग में आ जाएगी आ, आ, आर वन में आ जाएगी हमारे पास ये करंट और ये रिंग अटैच है किसके साथ बी वन के साथ और B1 से हमारे पास ये करंट फ्लो करते करते हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये करंट फ्लो करेगी फ्राम X टू Y और फिर हमारे पास Y से होते होते B2 से होते होते फिर हमारे पास R1 में करंट फ्लो करेगी R1 वन है किसके साथ इस ये आर वन अटैच है किसके साथ D के साथ हमारे पास CD डी के D के साथ फिर आर वन के आर टू के थ्रू बी टू के थ्रू आर टू में चली जाएगी करंट और आर टू के थ्रू हमारे पास डी टर्नल्स में करंट पास ऑन हो जाएगी और फिर हमारे पास सी डी आम में करंट फ्लो करेगी फ्रॉम डी टू सी तो इस तरीके से पहले हाफ रोटेशन में करंट फ्लो करेगी फ्रॉम बी टू ए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमारे पास एक्स टू वाई और फिर हमारे पास आम सी डी में डी टू ए तो अगले हाफ रोटेशन में जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल अगले हाफ रोटेशन में अब हमारे पास सी डी इस साइड है और ए बी इस साइड है अब अगले हाफ रोटेशन में ऐसे ऐसे अब हमारे पास ज्यादा मैगलाइन ऑफ फोर्स आसान हो रही हैं जब ज्यादा मैगलाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं इंडियोज डे में बढ़ेगा इंडियोज डे में हमारा बढ़ रहा है

सी डी ये जो सी डी जो हमारे पास यहां पर था ए बी यहाँ पर था अब जो अगला हाफ रोटेशन था इस हाफ रोटेशन में हमारे पास क्या आ रहा है सी डी क्योंकि यहां पर आप नहीं बनाएंगे अब अगले हाफ रोटेशन में हमारे पास सी डी जो होगा वो इस साइड होगा और ए बी जो हमारे पास ये बी ए जो होगा वो इस साइड होगा अगले हाफ रोटेशन में जो हमारे पास जो करंट फ्लो करेगी वो इस सी डी में जो करंट फ्लो करेगी वो हमारे पास आएगी जैसे हमारे पास ये डी है यहाँ पर डी है ये सी है ये सी लिया है मैंने ये ए है और ये बी है यहाँ पर अगले हाफ रोटेशन में जो करंट फ्लो करेगी वो सी टू डी फ्लो करेगी सी टू डी डी फ्लो करेगी अगले हाफ रोटेशन में सी टू डी फिर हमारे पास ऐसे ऐसे करंट आ जाएगी फिर आर टू में करंट आ जाएगी और आर टू में करंट फ्लो होते हुए थ्रू बी टू के जरिए से अगले हाफ रोटेशन में जो करंट फ्लो करेगी वो वाई टू एक्स फ्लो करेगी वाई टू एक्स में करंट फ्लो होते होते होते, फिर में चली जाएगी बी वन में, में आ जाएगी और आर वन में हमारे पास फिर टर्मिनल स्क्वाइल्स के टर्मिनल ए के ए में करंट आ जाएगी और इस आम ए बी में करंट फ्लो करेगी फिर ए टू बी तो ये अगले हाफ रोटेशन में अगले हाफ रोटेशन में देखोगे आप अगले हाफ रोटेशन में सी टू डी सी टू डी करंट फ्लो करेगी अगले हाफ रोटेशन में और हमारे पास डी से फिर आर टू में आ जाएगी आर टू से फिर बी टू के थ्रू रोटेशन में वाई टू एक्स करंट फ्लो करेगी और वाई टू एक्स से हमारे पास फिर जाएगी आर वन में थ्रू बी वन और फिर हमारे पास इस ए बी वॉम में करंट फ्लो करेगी ए टू बी तो हम यहां पर देख रहे हैं

एक, में की एक है, में रही है, रही है और जब आपके पास करंट भी चेंज करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है बढ़ रहा है कम हो रहा है जीरो हो रहा है उसके बाद फिर से बढ़ रहा है उसके बाद फिर कम हो रहा है करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है पहले एक्स टू वाई उसके बाद वाई टू एक्स तो इस करंट को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज भी ऐसी हमारे पास होगी पहले हमारे पास वोल्टेज होगी जो हमारे पास जो होगी वोल्टेज की जो हमारे पास ईएमएफ e जिसको हम ईएमएफ e कहते हैं वो पहले उसकी डायरेक्शन पहले हमारे पास पहले हाफ रोटेशन में हमारे पास एक होगी और अगले हाफ रोटेशन में हमारे पास दूसरी होगी तो इस टाइप्स की करंट को जिसमें मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज होता है कंटिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियडिकली और इसी तरीके से हमारे पास ई भी हमारे पास का मैग्नीट्यूड भी ई का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है कंटिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियडिकली हमारे पास चेंज होता है ये देखिए इन आठ हमारे पास पी वैल्यू ऑफ आल्ट्रेटिंग वोल्टेज है और ये वोल्टेज की मैंने रिप्रेजेंट किया है ये ग्राफ और यहां पर भी देखो आप पीक आप देखो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इस टाइप की हम क्या कहते हैं करंट या वोल्टेज को क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज जो हमें ए सी जनरेटर बना के देता है अब हमारे पास जो है ये मैंने इसकी वर्किंग आपको बोली अब हम इसके मैथमेटिकल पर जाएंगे देखिए मैथमेटिकल में हमारे पास काफी इजी मैथमेटिकल है इसमें वी नो दैट यहां पर हमारे पास जो है अगर हम निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू आ गिवन सरफेस वो किसके कुल होता है एन बी डॉट ए के कुल होता है ये हमारे पास क्या है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो पासन होती है इस रेक्टेंगुलर कॉल्स में तो वो किस होता है एन बी डॉट ए एन होता है नंबर ऑफ टर्न इन अल बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और ए होता है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉयल तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इक्ल टू एन बी डॉट ए ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट तो ऑफ वेक्टर है तो इसको हम खोल के लिखेंगे बी एस थीटा आपके पास आ रहा है तो थीटा होता है एंगल हमारे पास एंगल होता है किसके बीच में प्लेन ऑफ कॉइल और हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या हम कहेंगे एरिया ऑफ वेक्टर एरिया वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर जो हमारे पास होता है जैसे ये प्लेन ऑफ कॉइल है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये एरिया एरिया वेक्टर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हमारे पास है और इस प्लेन ये जो हमारे पास कॉयल का प्लेन है इसकी डायरेक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये एरिया वेक्टर होगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है वो हमारे पास थीटा है तो ये हमारे पास आ, ये टाइम के साथ साथ हमारे पास ये एंगल आ, चेंज होगा क्योंकि हमारे पास कॉयल रोटेट करती है तो यहाँ पर हमारे पास ये थीटा भी हमारे पास रोटेट करेगा और ये थीटा डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा एक तो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और दूसरा टाइम पर डिपेंड करेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ ये हमारे पास कॉइल रोटेट हो रही है तो इसीलिए हम यहां पर एन बी थीटा की जगह पर क्या आप पुट करते हैं ओमेगा टी क्योंकि यहाँ पर थीटा किसा ओमेगा टी के होगा ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और टी क्या है टाइम है ये हमने निकाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू दिस कॉइल कितने मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इस कॉइल के थ्रू पासन हो रहा है अब देखिए हम यहाँ पर ऑल्सो अगर हम निकालेंगे कितना ई एम एफ प्रोड्यूस होता है इस स्क्वाइल में जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है ई एम एफ कितना ई एम एफ प्रोड्यूस हुआ है जो हमारे पास कौन सा होगा आल्टरेटिंग ई एम एफ होगा आल्टरेटिंग वोल्टेज इसको हम वोल्टेज भी कहेंगे हम तो वो ई एम एफ हमारे पास किसी को होगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है तो आपको पता ही है ऑलरेडी हमारे पास जो इंड्यूस्ड ई एम एफ जो प्रोड्यूस होता है इस स्क्वाइल में समझे आप जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ग्राफिकली मैंने वो किस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के केक्ल होता है तो यहाँ पर इसको हम इंडियोसडी एम एफ को फाइंड आउट करेंगे माइनस डी अपान डी टी फाइव की जगह पर फाइव की वैल्यू को पुट करेंगे किसके इक्वल है एन बी ए कॉस ओमेगा टी की इक्वल है यहाँ पर हम माइनस एन बी ए को बाहर निकालें आप एन बी ए को बाहर निकाला मैंने डी अपान डी टी कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसीेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू और माइनस एन बी एस ओमेगा की अलग से differentiation होती डिफरेंट टू टीट इज तो ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ओमेगा पीछे आएगा ओमेगा और माइनस माइनस हो गया प्लस देखने की कोई जरूरत नहीं है माइनस माइनस हो गया प्लस तो ओमेगा साइन ओमेगा आपके पास आ रहा है ये जो हमारे पास होता है एन बी ए ओमेगा ये पीक वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग वोल्टेज के कुल होता है जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो यहां पर प्रेजेंट किया है मैंने साइन ओमेगा टी ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाली ये हमारे पास क्या है आल्टरेटिंग वोल्टेज है आल्टरनेटिंग वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है एसी जनरेटर देखिए ये आल्टरेटिंग वोल्टेज भरती भरते 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 भरते, भरते मैक्सिमम हो जाएगी जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ आल्टरेटिंग वोल्टेज जिसको हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है और हमारे पास ये ऑल्टरिंग वोल्टेज ये तो एक तो ओमेगा पर डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा दूसरा टाइम पर डिपेंड करेगा क्योंकि टाइम टू तो टाइम हमारे पास जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या है टी बाई फोर है तो टी बाई फोर में हमारे पास आ, टी बाई फोर यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या है टी बाई फोर और यहाँ पर इस पोजिशन पर इस टाइम पर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगी वो मैक्सिमम होगी और इसलिए हमारे पास आल्ट्रेटिंग वोल्टेज वो टाइम पर डिपेंड करता है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है आल्ट्रेटिंग वोल्टेज की E इज टू नॉट साइनोमेगा टी तो ई e नॉट क्या होता है पी इक्वल्यू आल्टेटिंग वोल्टेज और ई e क्या होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज और कौन सी होती है इंड्यूस्ड वोल्टेज जो प्रोड्यूस करती है कॉइल ये हमारे पास आल्ट्रेटिंग वोल्टेज होती है तो ये वोल्टेज जब हमने ये जब हमारे पास ये कॉइल इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जिसकी जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा बढ़ता बढ़ता मैक्सिम हो जाएगा फिर डिक्रीज हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैक्सिम हो जाएगी फिर डिक्रीज हो जाएगी जीरो हो जाएगी ये ये हमने क्या किया अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाला अब हम अल्टरनेटिंग करंट भी निकाल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट किसके इक्वल होगा दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होगा ये आपके पास आ रहा है तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई ई अभी हमने ऊपर निकाला E की जगह पर ई e की वैल्यू को पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर ये हमने क्या किया ये करंट निकाली हमने ई e की जगह पर ई e की वैल्यू को पुट किया तो अब आपके पास है एक स्टेप यहां पर करेंगे हम तो देखिए हमारे पास जो है आल्टरेटिंग करंट भी निकल जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई आर ये हुआ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता है करंट के इक्वल तो आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई नॉट

ये क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ आल्ट्रेटिंग करंट जैसे यहां पर पीक वैल्यूटिंग वोल्टेज होती है ई नॉट और यहां पर पर भी हमारे पास ये करंट टाइम डिपेंड करती है जिस तरीके से आपका वोल्टेज का ग्राफ बनता है ऐसा ऐसा ही ही इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही आपका ऑल्ट्रेटिंग करंट भी बनेगा पहले करंट बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्सिमम हो जाएगी जिसको हम आई नॉट से करते जिसको, बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वैल्यूटिंग करंट उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी जीरो उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज रहेगी डायरेक्शन चेंज होने के बाद फिर मैक्सिमम हो जाएगी यहां पर जिसको आई से करते हैं फिर डिक्रीज हो जाएगी जीरो तो पहले हाफ रोटेशन में हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम एक्स टू वाई और अगले हाफ रोटेशन में हमारे पास होगी वाई टू एक्स तो ये हमारे पास है एसी जनरेटर जो ऑल्टरेटिंग वोल्टेज और आल्टरेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है ओके गुड बाय